हेलो एवरीवन, माइसेल डॉक्टर मंदाकिनी, MNM हॉस्पिटल हाजीपुर एंड महुआ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PCOD के बारे में। PCOD क्यों होता है, किनको होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या सिर्फ दवाई ही एक उपाय है PCOD के ठीक होने का, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो PCOD, PCOS आपने बहुत सुना है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन, यानी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा होने वाला डिसऑर्डर है या डिजीज़ है या सिंड्रोम है, जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होता है और उसके बाद भी होता है। कहने का मतलब कि ये 14 साल की लड़कियों में भी अफेक्ट करता है, आफ्टर मैरिज बच्चा ना होना, पीरियड प्रॉब्लम होना, आफ्टर मेनोपॉज, अगर आप PCOD के पेशेंट हैं, आपने अपने अपने ठीक से उस पर ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं आपके हार्ट को अफेक्ट करेगा, आपके ओवरीज को अफेक्ट करेगा, आपको डायबिटीज़ बहुत जल्दी आ सकता है। तो PCOD और PCOS क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है PCOD और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। एक्चुअली PCOD जो है वो PCOS ही है, क्योंकि एस इसलिए, सिंड्रोम इसलिए, क्योंकि जो डिसऑर्डर है या डिजीज है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट नहीं करता, इसमें स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स होते हैं। कहने का मतलब कि 15 साल की लड़कियां हमारे पास आती हैं पीरियड प्रॉब्लम को लेके, या वेट गेन को लेके, या बहुत ज़्यादा एक्नी, मतलब बहुत कील मुहासे आ रहे हैं, बहुत ऑयली स्किन है, मेल टाइप का फेशियल हेयर पैटर्न है, जैसे आईब्रोज बहुत चौड़े हैं, यहाँ पे बहुत बाल आता है, यहाँ बहुत बाल आता है, थाइस पे बहुत बाल आता है, पेट पे बहुत बाल है, कुछ पेशेंट्स को गर्दन के पीछे कालापन मिलता है, इनर थाई पे कालापन है, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग एकेंथोसिस निग्रिकेंस। तो ये भी PCOD में देखा जाता है। PCOD किनको होता है? तो PCOD का बहुत ही कारण नोन नहीं है, बट इसका एक जेनेटिक रिलेशन है और बहुत सारे जीन इन्वॉल्व होते हैं जो आपके एंड्रोजन को बढ़ा के रखेंगे, आपके इंसुलिन को इनसेंसिटिव कर देंगे। आइए हम इस पे समझते हैं। और PCOD कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइट हैबिट पे जुड़ा हुआ है। अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आप बहुत मोटे हो रहे हैं, तो आपका अंडा सुस्त हो जाएगा और वो PCOD में कन्वर्ट हो जाएगा। PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है। हर 14 डे पे आपका जो अंडा फूट रहा था और उसके 14 डे पे आपका जो पीरियड आ रहा था, ये सब एक साइक्लिक पैटर्न में हमारे रिप्रोडक्टिव लाइफ में 13 साल से 45 साल के एवरेज तक ये चलता है। इसके लिए आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में FSH-LH GnRH के थ्रू एक बैलेंस वे में ऊपर नीचे जाता है। वो हमारे बच्चेदानी के अंदर वाले झिल्ली यानी एंडोमेट्रियम को मोटा और फिर झाड़ता है, मतलब उसको प्रोलिफरेट करता है, मतलब ठीक करता है, और उसके बाद उसको सेड आउट करता है। पीरियड होने के लिए इसका थिकनिंग यानी कि इसका ग्रोथ और फिर से इसमें सिक्रेटरी चेंजेस यानी कि इसमें जो झड़ता है, सेडिंग होना इम्पॉर्टेंट है। PCOD के केस में आपका जो ब्रेन है, पिट्यूटरी जो होता है, उसमें आपका जो LH है वो बहुत बढ़ा रहेगा। नॉर्मली हमारे ओवरीज में हर महीने 5-6-7-8 फॉलिकल्स निकलते हैं, बट एक ही मैच्योर होता है, फूटता है, ओवुलेशन होता है और फिर ये साइकिल चलता रहता है। बट PCOD के केस में यहाँ पे ओवुलेशन होता नहीं है, क्योंकि FSH घटा है, मैंने आपको बोला ना LH बढ़ा रहता है, तो ये फॉलिकल को मैच्योर ही नहीं होने देता। और बहुत सारे मल्टीपल, जैसे गर्दन में हम लोग मोती का माला पहनते हैं, उसी तरह से ओवरी के ऊपर में ये एक पैटर्न, माला पैटर्न में पूरा छोटे 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 सिस्टिक फॉलिकल्स जमा हो जाते हैं, और ये ओवुलेशन को स्टार्टिंग में होता नहीं है और बाद में इतना ज़्यादा इस पे सिस्ट बन जाते हैं कि फिर बाद में और ओवुलेशन नहीं हो पाता है। तो PCOD के पेशेंट में ट्रीटमेंट क्या है? तो उनका जो ट्रीटमेंट है उनके प्रॉब्लम के हिसाब से होता है।
जैसे पेशेंट का एक ग्रुप 16 ईयर है जो कि पीरियड प्रॉब्लम के साथ आई हैं, उनका बहुत ज़्यादा कील मुहासा है, वेट गेन है, तो हम लोग उनके उसी प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। शादी के बाद, शादी के 2 साल 1 साल के बाद बच्चा नहीं ठहर रहा है तो फिर हम लोग इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में जाते हैं, जैसे हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं। पीसीओडी में जो मैनेजमेंट पार्ट है यानी कि ट्रीटमेंट का जो पार्ट है उसमें हम लोग 3 मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस एंड थर्ड वन ड्रग। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम लोग पेशेंट को पीसीओडी के पेशेंट में हम लोग को देखा जाता है कि उनको बहुत स्ट्रेस होता है, तो उनको स्ट्रेस रिलीज करना है, अपना स्लीप हाइजन पे ध्यान देना है यानी कि समय से सोना है, अपने एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। आपका जो भी वेट है आपको वेट से 10% नीचे जाना है, अगर 70 किलो है तो आपको 7 किलो घटाना है। बहुत टफ है घटाना और बहुत जल्दी रिडक्शन नहीं होगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आप पीसीओडी के पेशेंट और वेट मैनेज हो गया, आपका वेट लॉस हुआ है, तो आपका सारा प्रॉब्लम खत्म, आपको मेडिसिन भी बहुत कम या नहीं जरूरत पड़ेगा। जो पेशेंट इरेगुलर पीरियड के साथ या बच्चा कंसीव करने में दिक्कत हो रहा है उनका भी सिर्फ वेट रिडक्शन से ही उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो डाइट पे हम लोग फैट बहुत कम होना चाहिए, घी बटर ऑयल बहुत कम होना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब रोटी और चावल, बहुत पेशेंट बोलते हैं कि मैंने चावल नहीं खाती हूँ मैं सिर्फ रोटी खाती हूँ, बट रोटी का भी जो अमाउंट है वो 4 या 5 होता है, तो आपको रोटी और चावल दोनों एक ही होता है, आपको रोटी चावल कट करना है, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब पे जाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब का मतलब आपको मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना है रोटी के लिए, रागी ओट्स बाजरा इसका आप उपयोग कीजिए। वेजिटेबल्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग करना है, यानी कि आपको हर मील में सैलेड लेना है। वेजिटेबल्स में जैसे पोटैटो हो गया, आलू, इसमें बहुत स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, नहीं लेना है। इसके बाद आते हैं फ्रूट्स पे, तो जो फ्रूट्स है आपको लेस शुगर वाला फ्रूट लेना है। इस तरह से आप अपने डाइट को फ्रीक्वेंट स्मॉल और एक गुड डाइट जिसमें फुल ऑफ फाइबर हो, वेरी लेस फैट हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब हो और प्रोटीन हो, ये आपका डाइट होगा। एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज यानी कि जो भी वेट लॉस एक्सरसाइज होता है, जो आपको वेट ट्रेनिंग या आप जिम जाके कर सकते हैं, घर पे कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योगा आपके वेट को लॉस तो नहीं करेगा अगर आप नॉर्मल योगा कर रहे हैं, बट आपका वेट को मेंटेन करेगा। लेकिन योगा, आप मेडिटेशन, योगा में 3 चीज़ होता है, एक होता है योगिक आसना, दूसरा होता है मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो जो मेडिटेशन यानी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो आपके स्ट्रेस लेवल को घटाएगा, आपका स्लीप पैटर्न अच्छा हो जाएगा। बहुत पेशेंट बोलते हैं उनको रात में नींद नहीं आता, तो इस तरह से आप पीसीओडी को मैनेज कर सकते हैं। अब आती है बात दवाइयों पे, तो जिसका पीरियड इरेगुलर है उसमें हम लोग ओसीपी देते हैं, और उसमें ओसीपी में भी जो होता है वो होता है सिप्रोटेरॉन एसीटेट, ये एंट्री एंड्रोजन होता है, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि जो पीसीओडी है एक कंडीशन है जिसमें आपका एंड्रोजन बहुत रहेगा, इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत रहेगा। दूसरा है कि आपका वेट ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी वेट लॉस के लिए हम लोग ऑर्ली स्टैट यूज़ करते हैं, बट मैं फिर भी आपको बोलूँगी कि वेट लॉस के लिए मेडिसिन, स्पेसिफिक मेडिसिन आपको वेट लॉस के लिए नहीं लेना है, आपको अपने डाइट और लाइफस्टाइल पे ध्यान देके आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। एक इंसुलिन इनसेंसिटिव इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसके लिए हम लोग पेशेंट को मेटफॉर्मिन देते हैं, और पेशेंट बहुत कंप्लेन लेके आती है कि डॉक्टर साहब आपने लगता है गलती से ये दवा लिखा है, तो ऐसा नहीं है। मेटफॉर्मिन बहुत ही हेल्पफुल होता है जिनको वेट लॉस करना है, जिनको बच्चा चाहिए इनफर्टिलिटी के पेशेंट में, और जिन्होंने पीसीओडी के बाद कंसीव किया है यानी कि बच्चा आ गया है, तो भी ये अबॉर्शन नहीं होने देता है, चांसेस बहुत कम कर देता है। और हिरोसिटिज्म यानी कि बहुत आपका फेसियल बहुत बाल है, तो उसके लिए आप पार्लर पे जाके फेसियल थ्रेडिंग कराते हैं, लेज़र थेरेपी लेते हैं। तो इस तरह से पीसीओडी के पेशेंट अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। जो समरी है इस वीडियो का कि पीसीओडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करना, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना, और अपने डाइट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना। अगर आपको पीसीओडी से रिलेटेड कोई परेशानी है, क्वेरी है, आप मुझे पूछिए,
आपको कुछ और जानना है जैसे वेट रिडक्शन का स्पेसिफिक वीडियो, इनफर्टिलिटी का स्पेसिफिक वीडियो, तो इस वीडियो में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर। पीसीओडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने बहुत कोशिश किया है कि इसमें एक ही वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताऊं। आपको कुछ और जानना है डिटेल में तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।